आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम वंश है, मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आओ सुनाओ एक कहानी जो कि तुमने सुनी होगी अपनी दादी नानी की जुबानी। मेरी कहानी का शीर्षक है माँ की ममता का मोल। एक बार एक सफल व्यक्ति अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ आज जो कुछ भी मैं हूँ सब आपकी ममता की देन है, इसीलिए मैं आपकी ममता का कर्ज चुकाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ बोली, बेटा मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। परंतु जब व्यक्ति जिद करने लगा तो माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे क्या वैसे ही सो सकते हो? यह सुनकर व्यक्ति ने तुरंत हाँ कर दी। रात को जब वो व्यक्ति अपनी माँ के साथ सो गया तो माँ ने पानी का जग लिया और थोड़ा पानी बिस्तर पे डाल दिया। इसी तरह गीला महसूस करने पे व्यक्ति की आँख तुरंत खुली। माँ के हाथ में पानी देख गुस्से से पूछा, माँ आप ये क्या कर रही हो, मुझे सोने क्यों नहीं दे रही? माँ प्यार से बोली, बेटा बचपन में तू हर रात ऐसे ही बिस्तर गीला करता और मैं बिना गुस्सा किए गीले बिस्तर पे सो जाती थी। मैंने सोचा अगर तू सिर्फ एक रात ऐसा कर पाता तो मेरी ममता का कर्ज उतर जाता। यह सुनकर व्यक्ति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया के सारे कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ की ममता का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता, क्योंकि माँ की ममता अनमोल है। माँ कहने को इंसान है पर कर्मों से भगवान है। नो माँ अपने गर्भ में रखती, खून से हमें सींचती। माँ के चरणों में खुशी और समस्त संसार है। धन्यवाद।